आज आपको एक बहुत नया कंसेप्ट देता हूँ हार्ट की बीमारी को कैसे रिवर्स करना है और हार्ट अटैक को कैसे रोकना है उसके ऊपर। देखिए, आपको समझना पड़ेगा हार्ट की बीमारी होती क्या है कि हार्ट के ट्यूब्स के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज होती किस वजह से? उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाती है, फैट जम जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल और चर्बी जब ये अंदर जमते रहती है, पहले ब्लॉकेज 10, 20, 30, 40, बढ़ते 70-80% तक ब्लॉकेज आती है, तब जाके मरीज को तकलीफ होती है, चलने में दिक्कत होती है, एंजाइना होती है, सांस फूल जाती है, छाती में दर्द होती है। हॉस्पिटल में जाता है, उनको पता चल जाता है इतनी ब्लॉकेज है, या तो एंजियोग्राफी करते हैं या आजकल नहीं आ गई है सीटी एंजियोग्राफी। जब ब्लॉकेज पता चल जाए तो आदमी बोलता है सर अब आगे क्या? आगे एक ही चीज़ का डर होता है, वो होता है हार्ट अटैक। नाउ एक ऐसी आपको कंसेप्ट बताऊंगा जिससे हार्ट अटैक एकदम नहीं हो सकता है, वो कंसेप्ट है साउल सेफ्टी सर्कल। आपको मालूम है साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग हमारी एक संस्था का नाम है, और इसमें हम क्या बोलते हैं, मेडिकल साइंस की सारी नॉलेज ले लो, आर्ट ऑफ लिविंग को उसमें जोड़ दो, साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। इसमें हमने एक नया चार्ट बनाया और इस चार्ट को बहुत एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, कितनी सरल चार्ट है। इसमें देखिए जितने ब्लॉकेज के कारण है सबको हमने साइड में लिख के रखा है, करीब 16 कारण है जिनके वजह से ब्लॉकेज होती है, और ये कारणों को हमने 3 कलर में बांट दिया, रेड, येलो, ग्रीन। अगर आप रेड में रखते हो कोई चीज़ को तो ब्लॉकेज बढ़ने वाली बात है, या कोलेस्ट्रॉल हो, या ट्राइग्लिसराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, या स्मोक हो, ये कोई भी कारण को आप अगर रेड में रखोगे तो ब्लॉकेज बढ़ती जाएगी। अगर आप थोड़ी बहुत कंट्रोल करते हो और येलो में ले आते हो तो आपकी ब्लॉकेज बढ़ेगी भी नहीं, रुक जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं, तो हार्ट अटैक होने का चांस कम है। अगर रेड में रखेंगे तो ब्लॉकेज बढ़ेगी और एक दिन ब्लॉकेज बस्ट हो जाती है और संग 100% ब्लॉक हो जाता है, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक होता कब है? जब आप ये सारे रीजंस को रेड में रखते हो या 1, 2, 5 रीजन को रेड में रखते हो, ब्लॉकेज बढ़ती जाती है। तो साउल की क्या एडवाइस है कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये टोबैको या वजन या दूध कम पीना या जो जो हमने कारण सब बताई है, उस सारे कारणों को आपको रखना है ग्रीन में। ग्रीन में अगर रख दिए तो हार्ट अटैक कभी नहीं हो सकता। हम लोग बोलते हैं रेड पे रखोगे तो योर हार्ट अटैक चांसेस आर 95%, अगर आप येलो में ले आओगे तो 50% कम हो जाती है, और ग्रीन में रखते हो तो 99.9 आपको हार्ट अटैक होने का चांस नहीं है। तो एक बार समझते हैं ये कौन सी चीज़ आपको लाना है कंट्रोल में। देखिए, कोलेस्ट्रॉल 180, 150, 130, हमें 130 ला के रखनी है। ट्राइग्लिसराइड 160, 130, 100, हमें 100 लाना है। इन दोनों के लिए करना क्या, एक तो नॉनवेज खाना बंद करना पड़ेगा, दूध में से मलाई निकालनी पड़ेगी, और ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए आपको तेल, एक बूंद भी तेल नहीं डालना है, जीरो ऑयल कुकिंग करना है, और उसके संग ड्राई फ्रूट्स बंद करना है। HDL बढ़ाने के लिए ये 25% से ज़्यादा HDL होनी चाहिए, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इसके लिए आपको हर दिन पैदल चलना है, योगा करना है, और स्ट्रेस कम करनी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना है। ब्लड प्रेशर और शुगर को कम करने के लिए आप हार्ट के लिए जो जो कर रहे हैं वो सब करना है, प्लस आपको नमक थोड़ा कम खाना है और दवाइयों लेना है अगर ज़रूरत हो तो। उसके साथ आपको शुगर कम रखना होगा, 100-140 लानी पड़ेगी अगर ग्रीन में लाना चाहते हैं, और उसके संग आपको स्मोकिंग बंद कर देना होगा। शुगर के लिए क्या करना है, जो हार्ट के लिए करना है वो सारा करना है, प्लस उसके साथ आपको करना पड़ेगा चीनी खाना बंद करना पड़ेगा, चीनी की बने हुए मिठाई वाली जितने सामान है वो बंद करने पड़ेगी। फ्रूट शुगर में अलाउड है खाली आम केला को छोड़ के, और उसके साथ आपको स्मोक बंद कर देना होगा, जर्दा गुटखा बंद करना होगा कम्प्लीटली। वेट को कम रखना पड़ेगा, 24 BMI से ऊपर नहीं जा सकते। वॉकिंग हर दिन 35 मिनट आपको करना पड़ेगा, जीरो ऑयल 100% करना पड़ेगा, तो आप ग्रीन में आ गए। और दूध कम से कम सारा दिन में 200 ग्राम दूध अलाउड है, और वो 200 ग्राम डबल टोन होनी चाहिए, अगर ये लाते हैं तो आप ग्रीन में आ गए। जितने जल फ्रूट्स वेजिटेबल अगर हर दिन खाते हैं तो आप ग्रीन में आ गए, अगर 100% वेजिटेरियन हो गए तो ग्रीन में आ गए। अगर आप हर दिन योगा करते हो 10-15 मिनट, मेडिटेशन करते हो और स्ट्रेस को कम कर देते हैं, स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं पूरा कम नहीं होगा, ज़्यादा स्ट्रेस को आपने कम कर दिया, अगर आप हर चीज़ को ग्रीन में ला देते हो तो आपका ब्लॉकेज बढ़ नहीं सकता, और बढ़ेगा नहीं तो हार्ट अटैक नहीं होगा। और अगर आपने पूरा चीज़ को अच्छे से फॉलो किया और फैट की सप्लाई बाहर से बंद कर दी तो ब्लॉकेज रिवर्स होने लगेगा। ऑलरेडी मेडिकल साइंस को प्रूफ करके दिया गया कि रिवर्सल पॉसिबल है, और उसके लिए डॉक्टर डीन और नीस हमारी रिसर्च स्टडी सब बता रही है रिवर्स पॉसिबल है। और रिवर्सल अगर पॉसिबल है तो आप क्यों नहीं करोगे, और रिवर्सल अगर हो सकता है और ये सर्कल फॉलो करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कहीं कहीं दवाई की ज़रूरत है, अगर कोलेस्ट्रॉल आपके खाना पीने के कंट्रोल करने के बाद भी हाई है तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई ली जाए, ट्राइग्लिसराइड की दवाई ली जाए, बीपी और शुगर अगर कंट्रोल नहीं है उसकी दवाई ली जाए,
और अगर ये सारा आप सेफ्टी सर्कल को फॉलो करते हो तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। मैं समझता हूँ मेडिकल साइंस को एक चीज़ की ज़रूरत है, आम आदमी को, हार्ट के पेशेंट को एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है सावल सेफ्टी सर्कल। कैसे करके आपको पूरी चीज़ को समझ आ जाए, एक एक चार्ट से आपको पूरी समझ आ जाए हार्ट की बीमारी को कैसे रिवर्स किया जा सकता है। और अगर आप रिवर्स करते हैं तो ना ही बाईपास की ज़रूरत है, ना ही एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, और ना ही आप कभी हार्ट अटैक की तरफ जाएंगे। तो इसको फॉलो करिए। सेफ्टी सर्कल की और डिटेल चाहिए, हमारे इंडिया भर में 81 क्लिनिक है, वहाँ जाके आप कहीं से भी हमारी बुक्स निकाल सकते हैं और उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो ये इसको फॉलो कीजिए और हर हार्ट के पेशेंट को इसके बारे में बताइए। सावल सेफ्टी सर्कल इज़ द बेस्ट थिंग। हमारे वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप, www.sawal.com में जाइए और इस सेफ्टी सर्कल को डाउनलोड कीजिए एंड यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।